सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुपर वर्ड्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं ब्लैक विडो मूवी को कैप्टन मार्वल मूवीज, और जानेंगे कि इन दोनों मूवीज में से कौन सी मूवी ज़्यादा बेटर है। इस मूवी में हम लोगों के रिव्यूज़ को भी लेंगे, और रिव्यूज़ के साथ हम इन मूवीज़ के IMDb रेटिंग, रोटेन टमेटोज और ऑडियंस स्कोर को भी लेंगे। और हाँ, हम इस वीडियो में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में कैप्टन मार्वल ही जीतेगी, क्योंकि कैप्टन मार्वल 2 साल पहले रिलीज़ हुई थी और ब्लैक विडो अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, इसकी वजह से बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं होगा। गजब बेइज्जती है। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों ही मूवीज़ के IMDb रेटिंग के बारे में। तो कैप्टन मार्वल मूवी की IMDb रेटिंग थी 6.8 की, और वही ब्लैक विडो मूवी की IMDb रेटिंग थी 6.9। हालांकि इन दोनों ही मूवीज़ के IMDb रेटिंग में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इस थोड़े से ही फर्क ने ब्लैक विडो को IMDb रेटिंग में जिता दिया है। तो अब हम बात करते हैं इन दोनों ही मूवीज़ के रोटेन टमेटोज और ऑडियंस स्कोर के बारे में। तो कैप्टन मार्वल मूवी का ऑडियंस स्कोर था सिर्फ और सिर्फ 45%, और रोटेन टमेटोज था 79%। हालांकि कैप्टन मार्वल मूवी का रोटेन टमेटोज ज़्यादा है, लेकिन ऑडियंस स्कोर कम है, और आजकल के टाइम पे ज़्यादातर मूवीज़ का ऑडियंस स्कोर 70 या 70 से अबव होता है, लेकिन कैप्टन मार्वल मूवी का ऑडियंस स्कोर सिर्फ और सिर्फ 45% है, जो कि बहुत कम है। तो अब हम बात करते हैं ब्लैक विडो मूवी के ऑडियंस स्कोर और रोटेन टमेटोज के बारे में। तो ब्लैक विडो मूवी का रोटेन टमेटोज था 81% और ऑडियंस स्कोर था 91%। ब्लैक विडो मूवी के रोटेन टमेटोज और ऑडियंस स्कोर को देख के हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ब्लैक विडो मूवी को लोगों ने कैप्टन मार्वल मूवी के कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद किया था। हालांकि कैप्टन मार्वल मूवी का रोटेन टमेटोज अच्छा था, लेकिन ऑडियंस स्कोर कम था, और वही ब्लैक विडो मूवी का रोटेन टमेटोज और ऑडियंस स्कोर दोनों ही अच्छा है। तो फाइनली अब हम बात करते हैं इन दोनों ही मूवीज़ के रिव्यूज़ के बारे में कि आखिरकार इन दोनों मूवीज़ को लोगों ने हेट क्यों किया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैप्टन मार्वल मूवी के बारे में। तो ज़्यादातर लोगों का कहना था कि कैप्टन मार्वल मूवी के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट ठीक से नहीं किया गया है, और लोगों ने यह भी कहा था कि इस मूवी में कई कैरेक्टर्स को वेस्ट भी किया गया है, और इस मूवी का विलन भी कुछ खास नहीं है। और यही सेम प्रॉब्लम ब्लैक विडो के साथ भी है। ब्लैक विडो में हालांकि कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा है, लेकिन इस मूवी का विलन भी कुछ खास नहीं है। मतलब टास्क मास्टर को अच्छा खासा वेस्ट किया है इस मूवी ने, इसकी वजह से इस मूवी को हेट भी मिला था। पर फिर भी अगर हम ओवरऑल कंपेयर करें तो ब्लैक विडो मूवी कैप्टन मार्वल से ज़्यादा बेटर है। सो गाइस, आपका क्या कहना है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।